हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे देतीमन। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती का एक नया विज्ञापन जारी हुआ है। सैनिक स्कूल सतारा से वैकेंसी है टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट की। 10th बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएड, सीटेट यहां पर एलिजिबल रहेंगे और एसटेट यानी किसी भी राज्य का स्टेट टेट अगर क्वालिफाई है तो भी आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट 13 अक्टूबर रहने वाली है। फीस यहां पर जनरल कैटेगरी और ओबीसी की मात्र 100 रुपये लगेगी, एसटी एससी की कोई फीस नहीं है। एज रिलैक्सेशन भी जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है। वैसे एज जो है 18 से लेकर 50 साल तक रखी गई है। सैलरी यहाँ पर अलग अलग पोस्ट हैं तो इसीलिए सैलरी 20,000 से स्टार्टिंग है, 38,000 तक रहने वाली है। ऑल स्टेट अलाउ रहेंगे यहाँ पर। जो है एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है तो प्लीज कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट हैं जो भी जॉब सर्च कर रहे हैं तो उनको मदद मिल सके। जैसे कि मनीष वर्मा, इनका जो है सिलेक्शन हुआ है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, और तो इन्होंने जो है अपना बताया है कि किस तरीके से इन्होंने जो है वो पढ़ाई की चैनल के माध्यम से। उसके बाद शिव शक्ति, इनका जो है केवीएस फतेहगढ़ में जो है एग्जाम के लिए यानी इंटरव्यू के लिए जो है इनका कॉल लेटर आ चुका है और इंटरव्यू की डेट जो है इनकी आज है 23 सितंबर। तो यहाँ पर बस मेरा यही कहना है कि यदि आप लोगों को कॉल लेटर आता है या आपकी जॉब लग जाती है तो प्लीज़ अपना जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, सभी की जॉब लग सके। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें ताकि आपकी, आपके फ्रेंड्स की या आपके रिलेशन में किसी की भी जो भी जॉब पाना चाहते हैं उनकी जॉब जल्द से जल्द लगे। तो चलिए बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ ताकि कोई भी डाउट ना रहे। सैनिक स्कूल सतारा फंक्शनिंग अंडर सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस न्यू दिल्ली के अंडर में ये काम करता है। वैकेंसी नेम ऑफ पोस्ट अकाउंटेंट और रेगुलर बेसिस पर ये पोस्ट रहने वाली है अकाउंटेंट की। और यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी कंपलसरी रहेगी क्वालिफिकेशन, तो बीकॉम यहाँ पर मांगा गया है। साथ में यहाँ पर अकाउंटेंट की जॉब के लिए 10 साल का गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप लोगों ने अकाउंटेंट में वर्क किया हो तो आप जरूर यहाँ पर फॉर्म फिल करें। बाकी जो है इंग्लिश यहाँ पर मस्ट रहती है। पेमेंट यहाँ पर जो है 35,400 बेसिक पे यहाँ पर रहने वाली है, 35,400 यानी इससे भी जो है अधिक आप लोगों की सैलरी होगी। उम्र 18 से लेकर 50 साल कही गई है, तो ये परमानेंट जॉब है अकाउंटेंट की, रेगुलर बेसिस पर रहेगी। नेक्स्ट क्वार्टर मास्टर जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है और एक साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है सैनिक स्कूल में, उसके बाद जो है अच्छा आपका काम रहेगा तो आप जो है हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आप लोगों की पोस्ट को रिन्यू कर दें और आप लोग यहीं पर रहें। एक है अनरिजर्व की, यहाँ पर कोई भी किसी भी कैटेगरी का है तो वो यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकता है। बीए या बीकॉम मांगा गया है, 5 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पर आपसे मांगा गया है। यहाँ पर बैंड मास्टर की टेम्परेरी बेसिस पर है, अभी जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की है, उसके बाद टीचिंग स्टाफ की भी आएगी। तो एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का बैंड मास्टर में कोर्स या ट्रेनिंग होनी चाहिए, 20,000 सैलरी पर मंथ, 18 से 50 साल उम्र। बार्ड बॉय मैट्रोन्स की वैकेंसी है, हॉस्टल्स ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, 5 हैं वैकेंसी। मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास या इसकी समकक्ष योग्यता है और आप लोगों को इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। 25,000 सैलरी, 18 से 50 साल उम्र रहने वाली है। बाकी जिन्होंने बीए, बीएससी, बीकॉम डिग्री भी हासिल की हुई है तो उनको यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। एक्सपीरियंस जिनका ज़्यादा रहता है तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वैकेंसी ये जरूर शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप लोग यहाँ पर 1 साल का 2 साल का एक्सपीरियंस लें, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस आप लेते हैं और वैकेंसी आती है सैनिक स्कूल की, केंद्रीय विद्यालय की, नवोदय विद्यालय की, इसके अलावा कोई भी इंग्लिश या हिंदी मीडियम स्कूल्स की आती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप लोगों को ही मिलेगी। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन कही गई है तो 50% मार्क्स के साथ आपने स्नातक हिंदी में आपने किया हो, 3 साल आपने पढ़ी हो, बीएड मांगा गया है, सीटेट पास होना चाहिए पेपर 2 या फिर एसटेट, आप किसी भी राज्य का टेट आपके पास है क्लियर पेपर 2 तो आप यहां पर एलिजिबल हैं। 38,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, 21 से 35 साल उम्र रखी गई है।
तो बहुत ध्यान से जो है यहाँ पर क्वालिफिकेशन देखें, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी देखेंगे। टीजीटी मराठी में वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर 1 साल की, अनरिजर्व कैटेगरी, 50% मार्क्स के साथ स्नातक, बीएड और सीटेट एसटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। 38,000 सैलरी पर मंथ 21 से 35 साल। तो यहाँ पर मराठी लैंग्वेज है, आपको पता है सतारा जो है कहाँ है, महाराष्ट्र में है। काउंसलर की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ये भी, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट 50% मार्क्स के साथ, साइकोलॉजी में किया हो। और भी हैं यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट इन चाइल्ड डेवलपमेंट विद एटलीस्ट 50%, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो, डिप्लोमा जो है आपके पास करियर गाइडेंस का या काउंसलिंग का हो 50% मार्क्स के साथ। यहाँ पर जो 50% मार्क्स लिखा रहता है तो बिल्कुल आप लोगों के अगर 49% हैं तो आप फॉर्म फिल ना करें, क्योंकि जो भी यहाँ पर लिखा है तो वो तो चाहिए ही। 35,000 पर मंथ है, 18 से 50 साल उम्र रखी गई है। इसके अलावा भी जो है यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया गया है अन्य कैटेगरी को। म्यूजिक टीचर की भी वैकेंसी है, म्यूजिक टीचर की, ड्राइंग पेंटिंग की, बहुत सारी वैकेंसी आई है, कई स्टूडेंट पूछते हैं, तो बहुत अच्छे से वीडियो देखा करिए, अंत तक देखें, सारी चीजें तभी क्लियर होंगी, क्योंकि अधूरी चीजें कभी भी काम नहीं आती हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन कहा है 5 ईयर स्टडी इन म्यूजिक इंस्टीट्यूशन, किसी भी म्यूजिक इंस्टीट्यूशन में आपने 5 साल जो है वो पढ़ाई की हो, और स्टेट गवर्नमेंट या फिर इसके इक्विवेलेंट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास, या फिर आप बैचलर डिग्री विद म्यूजिक के साथ, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा भी और कई ऑप्शन हैं। 25,000 सैलरी मिलेगी, 21 से 35 साल उम्र रहने वाली है। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले मैं आप लोगों को लिंक वीडियो के नीचे जरूर शेयर करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसको ओपन करके देखें, कंप्लीट नोटिफिकेशन को पढ़ें, फिर अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ भी है और आगे भी होता रहेगा। अब है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है। तो ये एड्रेस है प्रिंसिपल सैनिक स्कूल सतारा, और ये पिन कोड है महाराष्ट्र में है ये वैकेंसी। वेबसाइट ये जो है वेबसाइट दी हुई है, आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, बाकी मैं आप लोगों को लिंक तो हर वीडियो के नीचे देती ही हूँ। यहाँ लिखा है कि आप लोग जो है बाय हैंड या फिर बाय पोस्ट आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म साथ में डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ईमेल नहीं करना है। एज रिलैक्सेशन जो है एससी एसटी कैंडिडेट को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का यहाँ दिया जा रहा है। लास्ट डेट जो है 13 अक्टूबर 2023 है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो है एग्जाम जो है लिया जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा है। फॉर इंटीमेशन ऑफ डेट, वेन्यू एंड टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, कॉल लेटर विल बी सेंड टू शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। पहले तो आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, उसके बाद जो है आप लोगों के डॉक्यूमेंट वगैरह सारी चीजें देखने के बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, उन्हीं कैंडिडेट को एग्जाम के लिए कॉल लेटर आएगा जिनको ये शॉर्टलिस्टेड करेंगे, जिनकी क्वालिफिकेशन इनको ज्यादा बेटर लगेगी उन्हीं के लिए कॉल आएगा। तो ईमेल या फिर बाय पोस्ट के द्वारा आप लोगों को बुलाया जाएगा, तो आप लोग अपना ईमेल एड्रेस जरूर लिखें। सेंटर जो है कहाँ रहेगा, कहाँ पर आपका एग्जाम होगा, तो सैनिक स्कूल सतारा महाराष्ट्र में ही जो है आपका एग्जाम होगा। यहाँ पर जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ लिखेंगे, सारी डिटेल जो है वो आप लोगों को भरनी है। अभी जो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना होता है कि हमारे स्टेट में ही जॉब निकलेगी तो ही हम फॉर्म फिल करेंगे, ऐसे में अगर केंद्रीय विद्यालय की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, सैनिक स्कूल की कर रहे हैं, नवोदय स्कूल की कर रहे हैं, तो यहाँ पर जब सिलेक्शन होता है रेगुलर पोस्ट पर, परमानेंट वैकेंसी जब आती है, तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आप लोगों की जॉब कहाँ लगेगी आपको भी नहीं पता होता है, ये आपको कहीं पर भी भेज सकते हैं। ट्रांसफर आप देख रहे हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की मेन वेबसाइट पर, आप जाकर देखिएगा, ट्रांसफर बहुत दूर दूर जो है टीचर्स का हो जाता है। तो अगर आप जॉब करना चाहते हैं वाकई में और आप लोगों को रोजगार चाहिए, तो आप ये मत सोचा करिए कि दूसरे स्टेट की है, आपको जॉब लेना जरूरी है, बस इस बारे में सोचें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अगर कोई वैकेंसी आती है तो सभी आपके साथ शेयर की जाएगी, इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। ये इसकी मेन वेबसाइट है और यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल सामने ही नजर आएगा वैकेंसी अकाउंटेंट, इसी पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर्म दोनों ही आपको मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।